गौरेला पेंड्रा में डिप्टी कलेक्टर पर लगा आरोप, सीईओ मैडम करते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनजर कर रही है तैयारी। गौरेला पेंड्रा में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, आदिवासियों को बांटे कंबल। बलरामपुर में ग्राम पंचायत के लोगों ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। जांजगीर चांपा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बलरामपुर के सामने विधानसभा के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बृजेश यादव और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रूपेश यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने सर्व समाज के हितों के लिए एक आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित करवाकर राजभवन भेजा है। 2 दिसंबर से यह विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा हुआ है। इस विधेयक में एसटी 32%, एससी 13%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 4% आरक्षण की व्यवस्था है। इस विधेयक को राजभवन गए आज 28 दिन हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि एनएसयूआई व युवा कांग्रेस आधारित वर्ग के छात्रों, बेरोजगार युवाओं की आवाज को राजभवन तक सीधे पहुँचाने के लिए सेतु का काम करेगी। हमारी सरकार ने पिछले महीने आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा में जो बिल पारित किया था वो आज एक महीने बीतने को है, लेकिन वो बिल पर आज तक माननीय राज्यपाल महोदया ने हस्ताक्षर नहीं किया है। और इसी के विरोध में हम लोग युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ मिलकर कॉलेजों में और स्कूलों में जाकर युवाओं के बीच जाकर पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया से मांग कर रहे हैं कि उस पर हस्ताक्षर किया जाए। अंबिकापुर में चौपाटी के पास से ठेले हटाए जाने पर ठेले लगाने वाले दुकानदार परेशान हो गए हैं। बता दें कि नगर निगम को यातायात बाधित होने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए सड़क किनारे से ठेले वाले को हटाया गया। वहीं गौरव पथ पर उन्हें ठेले लगाने की नई जगह दी गई है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होने से नाराज ठेले वाले अपनी आजीविका के लिए लगातार नगर निगम आयुक्त से मांग कर रहे हैं। उन्होंने उचित जगह मुहैया कराया जाए। वहीं नगर निगम का कहना है कि उनके पास कोई फंड नहीं है, अपने से व्यवस्था की बात कही जा रही है। साथ ही अपनी आजीविका को लेकर परेशान ठेले वाले आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। भैया, हम लोग फुल्की चाट का काम करते हैं, हम लोग तो मोमो सोमो से ठेला सब वहीं लगाते हैं चौपाटी पर, है ना। इसका जो मैडम है वो जप्ती अपती करके भेजते हैं और अपना आदमी। कितने साल से आप? लगभग 15-16 साल हो गया सर, है ना। क्या है सर, हम लोगों का ठेला लगने दीजिए, रोजी रोटी चलने दीजिए, जब तक नहीं दे रहा जब तक हम लोगों को वहीं अनुमति दिया जाए, इसके बाद जो जहाँ बोलेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। जब तक हम लोगों को वहीं दिया जाए, वहाँ गए थे उड़न दस्ता लेके दिखाने के लिए तो किसी को पसंद नहीं आया, वहाँ कुछ है ही नहीं सर। वहाँ कोई आएगा रात को एक तमाचा मारेगा, कल चाकू निकाल देगा, लूट लाट के ले जाएगा, कोई है ही नहीं है वहाँ। मैं सविता कंसारी हूँ और मेरा पति अभी पूरा आईसीयू में भर्ती हैं। और क्या बोलते हैं मैडम, 4-5 महीना से दुकान बंद करवा दिए हैं, अभी मेरा इतना हालत ख़राब है, 1 रुपया पैसा हाथ में नहीं है। मैं मैडम से बोली 20-30 हज़ार का मदद कीजिए, वो भी बोलती है कि अभी मैं कहाँ से करवाऊँ, मेरे पास नहीं है, ठेला लगाने के लिए दूसरा जगह दे सकते हैं। मेरा पति अभी बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, दुकान करेंगे या उनको मैं अस्पताल से अभी निकाल के लाऊँगी पैसा दे कर, तब ना डॉक्टर लोग मेरे को छुड़ाएंगे। तो मैडम काहे के लिए मदद नहीं कर रही, अगर मेरा पति को कुछ हुआ तो मैडम को पूरा सबको सुनवा दीजिए कलेक्टर तक कि मेरा पति को कुछ हुआ आज पैसा के वजह से, तो मैडम को मैं नहीं छोड़ूंगी सविता कंसारी। हम लोग 4 या 5 महीना से परेशान हैं। निगम मैडम जब से आई है, आयुक्त मैडम, तब से हम लोग को वहाँ से हटा दिया। कहाँ से हटा दिया? चौपाटी से हटा दिया। अच्छा, जी चौपाटी से हटा दिया। हटाने के बाद बोल रही कि वहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो। तो उनके बाद मैं उन जगह हम लोग चुने। चौपाटी में क्या चीज की दुकान? मोमोज उमोज का है, ठेला का है, लिट्टी चोखा का है, हर चीज का है। चौपाटी रोड के किनारे लगाते हैं, साइड होके लगाते थे।
क्या आप? तो ये हुआ, मैडम बोल रही कि जाम हो जाती है हटा दो, तो हमने बोले मैडम ठीक है जाम हो जाती तो हम लोग एक साइड कर लेते हैं ठेला को, दोनों साइड नहीं रहेंगे, तो नहीं नहीं लगेगा, कुछ भी हो जाएगा, जब्ती होगी, तुमने जितना टाइम भी लगाएगी रात को 11 बजे 12 बजे तक भी मैं जब्ती कराऊँगा। तो इस तरह के कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं सर, हम लोग क्या समस्या का दूर करें, मैडम जी आए हैं तो, और जगह भी हम लोग चुने। बलरामपुर में सीमांकन पर 12 ग्राम पंचायतों के लोगों ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों की मांग थी कि उन्हें जरूरी न होते हुए भी 10 किलोमीटर के बजाय 30 किलोमीटर की दूरी राजस्व संबंधित मामलों के लिए तय करनी पड़ेगी, जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीण ग्राम पंचायत के लोग बर्ती कला चौक में जुटे हैं, जहाँ पर क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के प्रतिनिधि अशोक जायसवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन भी ग्रामीण या ग्राम पंचायतों को इस मामले में आपत्ति है उन्हें यथावत रखा जाए ताकि उन्हें ज्यादा दूरी तय ना करनी पड़े। जो राजस्व निरीक्षक मंडल भर्ती कला के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायत हैं उनके जनता जनार्दन बैठक बुलाए थे और हम लोगों को भी आमंत्रित किए थे और माननीय मंत्री महोदय को भी इन लोगों ने कहा था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय रायपुर से बाहर होने के कारण अपना प्रतिनिधि भेजे थे अशोक जायसवाल जी को, और सब ग्रामवासियों के समक्ष ये निर्णय लिया गया कि जो भर्ती कला राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें यथावत जो है वाड्रफनगर तहसील में रखा जाए। माननीय मंत्री महोदय से आम जनता की चर्चा भी हो गई, उनका दिशा निर्देशन भी आ गया और अभी SDM महोदय भी उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी कहा कि माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार मैं प्रस्ताव बना के भेज रहा हूँ। क्षेत्र के ग्रामवासियों के द्वारा भर्तीकला आसपास के जो गांव हैं उन गांवों को चरगली तहसील में शामिल ना कर यथावत वाड्रफनगर तहसील में रखने के लिए निवेदन करने हेतु वे एक बैठक आयोजित किए थे, जिसमें मुझे बुलवाया गया था। वहां पे उन गांव वालों के द्वारा जो बताया गया उन गांवों को हटा करके एक नया प्रस्ताव तैयार कर हम शासन स्तर को भेजेंगे ताकि शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। खबर गौरेला प्रेंडा से है, जहां CEO के पद पर पदस्थ डिप्टी कलेक्ट्रेट इंदा मिश्रा पर जनपद पंचायत के कई लोगों ने पंचायत सचिवों और पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया है। सचिवों ने आरोप लगाया कि CEO मैडम के द्वारा उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जाता है। सचिवों ने बताया कि किसी भी समय ऑफिस बुला लिया जाता है, साथ ही नरेगा में जो भी FTO करने के बाद दूसरा दस्तखत करने को CEO मैडम के पास आता है उसमें से भी कमीशन फिक्स कर दिया गया है और कमीशन नहीं दिया तो दस्तखत भी नहीं किया जाता। सचिवों ने आरोप लगाया कि CEO मैडम उनके साथ ऑफिस में सभी के सामने अभद्र व्यवहार करती हैं, जिससे वो काफी दुखी हैं। भैया हमारे जितने भी हमारे जनपद के पंचायत सचिव हैं सभी लोग प्रताड़ित हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। और क्या कहते हैं हमारे सचिव मैडम है जो CEO मैडम है जो क्या कहते हैं श्रीमती इंदिरा मिश्रा जी, वो क्या कहते हैं इतना प्रताड़ित करके रखे हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, या तो बिना टाइम के वो बुलाते हैं और फिर क्या कहते हैं अभी नरेगा का जो FTO हो रहा है तो सेकेंड सिग्नेचरी के लिए कोई भी बिना पैसा के क्या कहते हैं नहीं कर रही है। आप अभी जाके लिस्ट भी देख लें, जब तक पैसा नहीं लेती हैं तब तक नहीं कर रहे हैं। और क्या कहते हैं मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पैसा दिए हैं, मैं भी पैसा दिए हूँ। मेरे जनपद में कुछ सचिव हैं ऐसे जो काम करने से बचना चाहते हैं और अपना इसको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। और रहा सवाल अभद्र व्यवहार का, तो काम अगर नहीं करता है कोई तो उसको कभी कभी डांट पड़ती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि अभद्र व्यवहार किया जाए। गौरेला पेंड्रा में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बैगा आदिवासियों को गांव के बीच में जाकर उनके परिवारों को ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे। साथ ही पुलिस मानसिक रोगियों को स्वस्थ कराने के उद्देश्य को लेकर भी काम कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने 3 से 4 मानसिक रोगियों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पीड़ित रोगियों को मानसिक चिकित्सालय पुलिस स्वयं के खर्चे से ले जाने की बात कर रही है। मैं डॉक्टर रहा हूँ यहाँ इनके बीच में, तो अपन स्वास्थ्य जांच करते हुए भी कुछ इनकी तबीयत खराब उनको दवाई या सलाह भी देंगे, और कोरोना भी एक फैल रहा है उसके लिए भी अब एक मास्क का वितरण भी करवाएंगे हम लोग। और ठंड का समय है, गरीब लोग हैं तो जरूरत पड़ेगी कंबल की, इसलिए हम सहयोग कर रहे हैं। काफी उत्साह है इनमें कि चलो आज इनको
इनके पास जो आर्थिक कमी की है और कंबल ले रहा है तो ठंड से बचाव होगा, एक अच्छे खुशी की लहर है। के तहत जो वनांचल क्षेत्र हैं जो कि दूरस्थ हैं मुख्यालय से, जहां साधन सुविधाएं नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में पुलिस लगातार जो है वो जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है। वैसे ही एक क्षेत्र करंगरा घाटी का, यहां पे करंगरा ग्राम है, धनौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां पे बैगा आदिवासी क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। वहाँ पे ठंड के मौसम को ध्यान रखते हुए आज जब ग्रामीणों से मुलाकात हुई तो उन सभी को कंबल वितरण जो है, लगभग 100 परिवारों को कंबल वितरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में और विधायक महोदय के मुख्य अतिथि में सभी ग्रामीणों को आज कंबल वितरण किया गया है। उनकी समस्याएं सुनी गई, उनसे बातचीत की गई, उन लोगों ने कुछ मांग थी वो भी बताया विधायक महोदय को। तो इस प्रकार लगातार हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, लगातार उसमें हम पुलिस जो है वो लगातार जा रही है और उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे हमने अभी एक है देखा कि यातायात को लेकर के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है और हेलमेट बिल्कुल नहीं पहनते हैं, तो उसको लेकर के हेलमेट जागरूकता रैली निकाली और लगभग 200 लोगों को जो कि बिना हेलमेट के थे और नीडी थे, उन सभी को हेलमेट वितरण किया गया। जांजगीर चांपा में कोरोना की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और जिले भर के अस्पतालों में कोरोना के संक्रमण के रोकथाम और मरीजों के उपचार के इंतजाम की तैयारी में जुट गए हैं। कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में कोविड 19 संक्रमण के किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी टेस्ट और प्राथमिक उपचार के लिए तैयारी शुरू कर दी है। CMH ने कोरोना के दुष्प्रभाव को देखते हुए जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में ICU, ऑक्सीजन प्लांट, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, आइसोलेशन वार्ड सहित आवश्यक सुविधाओं को तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। पूर्व की भांति हमारी तैयारी पूर्ण है। ऑक्सीजन, दवा, PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। पास पूरे जिले में 233 बेड हैं, जिला मुख्यालय में 130 बेड हैं, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है, BPAP, CPAP मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सब के पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, PPE किट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में करीब करीब 2000 पीस हैं अभी। महासमुंद में तुमगांव में पुलिस ने मध्य प्रदेश से शराब लाकर बेचने जा रहे दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए की शराब जब्त कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की शराब को महासमुंद में खपाने के लिए एक वाहन में कुछ लोग आए हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति रायपुर से गोड़ारी की तरफ आ रहा है अपने वाहन में। इसके पास छोटा हाथी वाहन है जो पैक, जिसका लोग डाक और इसके लिए उपयोग करते हैं, बंद गाड़ी है, तो उसमें दारू लेके आ रहा है। जब रोका गया तो इसने रोक कर इसकी पूछताछ की गई और इसको देखा गया तो इसके वाहन में 15 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित दारू पाई गई, जिसे मौके से ही इसके चालक और इसके जो मालिक था उसको दोनों को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति जो मिस्टर मधान है वो पहले भाजपा के पूर्व पार्षद रहे हैं और भाटापारा में राइस मिल भी चलाते रहते हैं, भाटापारा में पार्षद रहे हैं। वर्तमान में वो, उनका कहना है कि रायपुर में वो पानी की फैक्ट्री चलाते हैं। महासमुंद में पुलिस ने तुमगांव नेशनल हाईवे 53 पर शराब के अवैध तस्कर करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पानी के कंटेनर की आड़ में शराब के अवैध तस्करी कर रहा था, तो वहीं पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत लाखों की बताई जा रही है। आरोपी पूर्व में भाटापार में भाजपा से पार्षद थे। पकड़े गए दोनों आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के सभी समाज प्रमुखों से बातचीत शुरू हो गई, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आरक्षण के पक्ष में सभी समाज से समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सभी समाज प्रमुखों से मुलाकात भी कर रहे हैं। बता दें कि 60 अलग अलग समाजों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है।
सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उल्किया के बरबरहाला पार में दूध पैसा नहीं देने पर मारपीट के मामले में सीतापुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विजय सोनी पिछले कई महीनों के पास से ही नारायण यादव से दूध ले रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीने से दूध का पैसा नहीं देने पर नारायण यादव ने घर पर जाकर पैसा देने की बात कही, लेकिन पीड़ित ने बाद में पैसा देने को कहा, लेकिन बात नहीं मानने के बाद नारायण यादव ने अपने 2 दोस्तों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट किया। वहीं बीच बचाव के दौरान गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। कल ये सूचना मिली थी थाना सीतापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरबहला है, वहाँ पे एक यादव हैं, वो नारायण यादव, वो दूध देते थे। वहीं पे दूध के पैसे नहीं मिलने की वजह से नारायण यादव और उसके 2 बच्चों के द्वारा विजय सोनी और उसके परिवार वालों पर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया। मारपीट के दौरान विजय सोनी के जो साली हैं, जो 3 महीने की गर्भवती भी थी, उनका इसी मारपीट के दौरान गर्भपात हो गया है। इस पर हम लोगों ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर कार्रवाई की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा है। सख्ती में मेला देकर वापस घर लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला हसौद थाना क्षेत्र का है। बता दें कि एक मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार होकर मिशन मालखरौदा से वापस हसौद लौट रहे थे, उसी दरमियान ये सड़क हादसा हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में लग गई है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल परिसर से चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। बता दें कि एक युवक अपनी भांजी को अस्पताल परिसर में भर्ती कराने आया था, जिसकी बाइक बाहर खड़ी हुई थी, जिसके बाद चोर मोटरसाइकिल को लेकर उड़ गए। अस्पताल परिसर के आसपास सुरक्षा का अभाव है, वहीं किसी प्रकार की कोई सुरक्षा न होने से परिजन अपने वाहनों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के आसपास देखने को मिल रही है। अस्पताल चौकी में भी पर्याप्त बल मौजूद नहीं है। जांजगीर चांपा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बड़े ही शातिराना तरीके से मुख्यमंत्री के लेटर पैड का उपयोग कर कलेक्ट्रेट को डीकेश्वर साहू को समग्र शिक्षा मिशन में तत्काल भृत्य की नौकरी देने के आदेश दिए गए। पत्र में लिखा गया कि डीकेश्वर साहू को पहले भी उसी विभाग में भृत्य की नौकरी दी गई थी और अचानक उसे निकाल दिया गया, अब फिर भी उसी पद पर नौकरी देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक तौर में पत्र फर्जी दिख रहा है, जिसके कारण जिला मिशन अधिकारी ने कोतवाली थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। केशवर प्रसाद साहू के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री के लेटर पेड पर जो है जिला मिशन संचालक जो कलेक्टर महोदय होते हैं और जिला मिशन समन्वयक के नाम पर जो है 2 पत्र प्राप्त हुए थे और प्रथम दृष्टया ये पत्र फर्जी प्रतीत हुआ, इसलिए जांच के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है। जिला संचालक समग्र शिक्षा द्वारा एक पत्र लिखा गया है थाना प्रभारी जांजगीर को, जिसमें एक फर्जी पत्र का उल्लेख करके एक व्यक्ति द्वारा भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। उस पत्र की जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया वो पत्र फर्जी पाया गया है, लिहाजा उस पर शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को भी पकड़ा जाएगा। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।